मुझे आप एमएलसी के रूप में न देखें, मैं सच्चिदानंद राय बिहार का एक बेटा हूं और बिहार की बेटियों के लिए कुछ कर रहा हूं, और इसमें कोई एमएलसी का न फंड लगा है न सरकारी एक पैसा खर्च हुआ है, जो भी किया है मैंने स्वयं किया। पटना वुमेन्स कॉलेज ने मुझे चुन लिया, मैंने नहीं चुना है। यहाँ पर इतना मैडम है, वो एक दिन हमारे यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। जब मैं यहाँ पर आया, संजोग से उसी एक दिन पहले घटना घटी थी, एक कोई शिक्षिका घटना का शिकार हुई थी और एम्बुलेंस के अभाव में काफी कष्ट झेलना पड़ा था। तो बात उठी, हमने कहा ये कौन सी छोटी सी चीज है, मैं कल भिजवा देता हूँ। क्या फूके हुए कारतूसों की बात कर रहे हैं आप, लालू यादव और कांग्रेस कहीं है ये लोग, किसी क्वेश्चन में है क्या? तो फूके हुए कारतूस है, जमाना बदल गया। 2 नवंबर के दिन सर गांधी मैदान में बैठक भी हो रहा है, क्या गया बैठक हो रहा है इंडिया गठबंधन? कौन सा इंडिया? इंडिया तो एक वो है जिसे राजधानी दिल्ली में है, ये कौन सा इंडिया है भाई? ये कोई इंडिया में इंडिया नहीं है। यहाँ तो महागठबंधन पहले से ही था, कोई नया तो कुछ जुड़ा नहीं। इसमें डीएमके आ गया क्या, कि समाजवादी पार्टी आ गई, कि बसपा आ गई? कुछ नहीं, इंडिया बहुत बड़ा नाम है जी, इंडिया देश का नाम है, इसलिए उन सब चक्कर मत पड़िए। और ये सब जितना है लो मीटिंग करना है, मैंने कहा ना फूके हुए कारतूस है, उसके अंदर थोड़ा भी जो है सो आपको नहीं मिलेगा मसाला। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गॉट दिस एम्बुलेंस, इट वॉज अ ड्रीम टू हैव वन एम्बुलेंस एंड आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर हु वुड एक्चुअली आई रिक्वेस्टेड हिम, ही सेड एनी टाइम बिकॉज ही इज ऑल एवरी टाइम रेडी फॉर गिविंग एनीथिंग टू हिज डॉटर्स इन बिहार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए पटना वुमेन्स कॉलेज में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर पटना वुमेन्स कॉलेज को एक गिफ्ट दिया गया है और गिफ्ट के तौर पे मेरे पीछे जो एम्बुलेंस खड़ी है वो दिया गया है, और यह देने वाले कोई और नहीं बल्कि MLC सच्चिदानंद रॉय हैं। और आप देख ही सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है और यह गिफ्ट भी इन्हें दिया गया है, इस कॉलेज को दिया गया है। ये बहुत बड़ी पहल है और सदानंद राय ने यह साफ तौर पे कहा है कि यह जो गिफ्ट मैं इन लोगों को दे रहा हूँ, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, और ऐसे ऐसी पहल जो है हर लोगों को करनी चाहिए जिनके पास है। अगर कोटे से अगर होता है तो MLC कोटे से तो वहाँ से भी मैं देता, लेकिन ये भगवान की दया से मेरे पास इतनी सुविधा है, जो अपनी आमदनी जो मेरी है उसके बदौलत मैं इस गिफ्ट को दे रहा हूँ। सुनिए सच्चिदानंद राय और इस कॉलेज की जो प्रिंसिपल है वो क्या कुछ कह रही हैं, आप सुनिए। एम्बुलेंस डोनेट किया आपने? ये डोनेट वर्ड बड़ा गलत वर्ड है सब, मेरी बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, उन्हें अगर एक एम्बुलेंस की जरूरत है तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करने की? अगर ईश्वर ने मुझे वो क्षमता दी है, शक्ति दी है कि मैं ये एम्बुलेंस यहाँ पहुँचा दूँ, तो मैंने पहुँचाने का काम किया। डोनेट वाला कोई शब्द जो है मैं बड़ा गलत शब्द मानता हूँ। देखिए सवाल ये उठता है कि जो भी MLC होते हैं वो अपने क्षेत्र में करते हैं क्योंकि राजनीतिक तौर पर फायदा होता है, आप पटना में आकर कर रहे हैं कॉलेज में ये? मुझे आप MLC के रूप में न देखें, मैं सच्चिदानंद राय बिहार का एक बेटा हूँ और बिहार की बेटियों के लिए कुछ कर रहा हूँ, और इसमें कोई MLC का न फंड लगा है न सरकारी एक पैसा खर्च हुआ है, जो भी किया है मैंने स्वयं किया। पटना वुमेन्स कॉलेज ने मुझे चुन लिया, मैंने नहीं चुना है। यहाँ पर इतना मैडम है, वो एक दिन हमारे यहाँ आई थी और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। जब मैं यहाँ पर आया, संजोग से उसी एक दिन पहले घटना घटी थी, एक कोई शिक्षिका घटना का शिकार हुई थी और एम्बुलेंस के अभाव में काफी कष्ट झेलना पड़ा था। तो बात उठी, हमने कहा ये कौन सी छोटी सी चीज है, मैं कल भिजवा देता हूँ। तो हालांकि इसके बाद छुट्टियां पड़ गई, इसलिए तो एम्बुलेंस तो 15 दिन पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन आज यहाँ पहुँचाया गया। सर पॉलिटिकल सवाल एक ये है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, लालू जी उसी क्षेत्र से उनकी राजनीति शुरू हुई जी, बड़े एक्टिव हो गए हैं 17 को लेकर, होना ही चाहिए। जहाँ से उनका राजनीतिक पैदाइश है वहाँ अगर एक्टिव नहीं होंगे तो गलत करेंगे, उससे तो न्याय करेंगे, उनको एक्टिव होना चाहिए। हम तो कहते हैं छपरा को तो दुल्हन की तरह सजा देना चाहिए था उनको, जिस छपरा ने उन्हें इतना बड़ा नाम दिया, आज केवल एक्टिव हुए हैं तो ये थोड़ा बात ठीक नहीं है। उनको तो हमेशा ही एक्टिव होना चाहिए था, छपरा के बारे में सोचना चाहिए था। एक और सवाल है कि हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो बिहार में तेजी से राजनीति जो है वो बदल रही है, लालू यादव को कांग्रेस ज्यादा तरजीह दे रही है अगर कंपेयर करें नीतीश कुमार। क्या फूके हुए कारतूसों की बात कर रहे हैं आप, लालू यादव और कांग्रेस कहीं है ये लोग, किसी क्वेश्चन में है क्या? तो फूके हुए कारतूस है, जमाना बदल गया। 2 नवंबर के दिन सर गांधी मैदान में बैठक भी हो रहा है इंडिया गठबंधन का, क्या गया बैठक हो रहा है इंडिया गठबंधन? कौन सा इंडिया? इंडिया तो एक वो है जिसे राजधानी दिल्ली में है, ये कौन सा इंडिया है भाई? ये कोई इंडिया में इंडिया नहीं है। यहाँ तो महागठबंधन पहले से ही था, कोई नया तो कुछ जुड़ा नहीं। इसमें डीएमके आ गया क्या, कि समाजवादी पार्टी आ गई, कि बसपा आ गई? कुछ नहीं,
पहले से महागठबंधन था वही महागठबंधन है, जबरदस्ती का इंडिया इंडिया क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? इंडिया बहुत बड़ा नाम है जी, इंडिया देश का नाम है, इसलिए उन सब चक्कर मत पड़िए। और ये सब जितना है लो मीटिंग वीटिंग करना है, मैंने कहा ना फूके हुए कारतूस है, उसके अंदर थोड़ा भी जो है सो आपको नहीं मिलेगा मसाला। आज जो सज्जनंद राय जी से जो पहल आज जो हुई है एम्बुलेंस, I am very happy that we got this ambulance. It was our dream to have one ambulance and I was looking for a sponsor who would actually give us an ambulance. And when sir came last 2-3 weeks ago here, I requested him. He said any time, because he is every time ready for giving anything to his daughters in Bihar. So he was very happy, and we are very happy. We are fortunate to have this ambulance, and we appreciate his generosity. Thank you. पिछली बार जब सच्चिदानंद सर विमेंस कॉलेज में विजिट किए और प्रिंसिपल से मिले, उस दिन एक ऐसा वाक्या हुआ जिसके जो इस तरह से उस दिन एक टीचर का कुछ यहाँ फ्रैक्चर हो गया था और उनको ले जाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और वक्त लग रहा था, उसको देखते हुए सिस्टर ने बोला कि एम्बुलेंस होता तो अच्छा रहता। और ये एक शब्द उन्होंने इसको लिया और तुरंत बोला, और यहीं से बैठे बैठे उन्होंने पूरी नेटवर्किंग कर ली और एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि देखिए हम तो अपना सेवा स्टूडेंट्स टीचर्स सभी लोग दे ही रहे थे स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन इसके आ जाने से सुविधा ये हो जाती है कि जब हम कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हैं तो वक्त लगता है, और यहाँ क्लासरूम में अगर बच्चे कुछ हुआ तो तुरंत हम लोग उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा सके। उतने दिनों से कॉलेज अपनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बच्चियों को कोई परेशानी नहीं हुई, हम लोगों ने आगे बढ़कर, बाकी टीचर्स की गाड़ी रहती थी कॉलेज की गाड़ी से, हम लोगों ने हमेशा इसको दिया। और ये एक गिफ्ट है उनके द्वारा लड़कियों की शिक्षा, और इस तरह से समाज के और लोग आगे आए और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दे, यही हम लोग चाहेंगे पटना विमेंस कॉलेज के द्वारा। तो आपने सुना काफी सराहनीय कदम MLC सच्चिदानंद राय का यह है। उनका कहना था कि मैं जब यहाँ पर एक बार विजिट करने आया तो उस दौरान किसी जो प्रोफेसर हैं कोई टीचर हैं उनको शायद पैर फ्रैक्चर हो गया या जो भी था, उस दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, और उसी समय सच्चिदानंद राय ने यह सोच लिया कि अब इस कॉलेज को एम्बुलेंस सुलभ करवाना है, और उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधा दी। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि सच्चिदानंद राय ने आज उद्घाटन के दौरान तो बहुत कुछ कहा ही, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पे भी हमला साधा। उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे कारतूस हैं जो विस्फोट नहीं कर सकते हैं, ये जिसमें बम ही नहीं है, इस तरह से वो उनको कह रहे हैं कि देखिए ऐसे लोगों की नाम मत लीजिए जिसकी यहाँ पर कोई पूछ नहीं है। और छपड़ा की भी बात उन्होंने कही कि भाई लालू प्रसाद यादव को जिसने नेता बनाया उस छपड़ा को, तो बहुत पहले ही उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सजा धजा देना चाहिए था, यानी कि जो कार्य है वो छपड़ा ने बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए था पीछे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।